हेलो किड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू होप यू ऑल आर वेल टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट इन इंग्लिश वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर वन अरुण एंड तारा टुडे वी आर गोइंग टू टेक ग्रामर वर्कशीट इन फ्लावर बुक ओनली टुडे डेट इज सेवेंथ ऑफ डिसम्बर टू हम लोगों ने लर्न किया था प्रपोजिशन मैंने आपको बताए थे पोजिशन वर्ड्स इन ऑन अंडर नियर राइट और ओवर uh, भी हम लोगों ने लर्न किया है ओके okay? अभी मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे बहुत सारे प्रपोजिशन वर्ड्स है जिसको यूज़ करके हम पोजिशन बता सकते हैं पर वो बहुत अलग अलग जगह पे यूज़ होता है uh, इतने सारे प्रपोजिशन वर्ड्स है सम प्रपोजिशन वर्ड्स आर लाइक अबाउट टिल आउट अबाउ अगेंस्ट बिलो बिस बिसाइड बिसाइड्स बिटवीन through up upon within during except for from in of on onto opposite near of behind inside into outside around before among to along at towards under underneath across like until with Beyond, by, down, since, without, after, etc. इतने सारे preposition words है but हम लोगों को अभी इतने सारे learn नहीं करेंगे जैसे जैसे आप upgrade होते जाएंगे ना next standards में तो थोड़े थोड़े से words add होते जाएंगे और आपको use कैसे करना है वो भी आपको explain करेंगे teachers right? अभी हम लोगों ने जो learn किया है in, on, under ठीक है वो है place प्लेस जो है ना वो दिखाते हैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस देखो यहाँ पे है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस आर यूज टू शो द प्लेस वेयर समथिंग इज लोकेटेड हम लोगों ने नाउन लर्न किया जिसमें पर्सन प्लेस एनिमल बर्ड्स है न वो सारी चीज़ें थी कि जिसमें से हम लोगों ने रेकग्नाइज किया वो सारी चीज़ें कहाँ पे है वो दिखाने के लिए हम प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं ठीक है थिंग्स बॉ बैग बुक कहाँ पे है तो आपकी बैग में है इन माय बैग राइट तो वो इन जो हुआ ना दैट इज कॉल्ड द प्रपोजिशन यहाँ पे जो सारी चीज़ों को हम लोगों ने कहाँ पे रखा है वो कहाँ पे रखा है वेर उसको दिखाने के लिए हम प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं ओके शो द प्लेस वेर समथिंग इज लोकेटेड सच एज एट इन ऑन वाइल ड्यूरिंग नियर ओवर अंडर बिटवीन बिहाइंड एक्सेट्रा ठीक है यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं डॉग इज ऑन द फ्लोर फ्लोर के ऊपर मतलब खेल रहा है राइट माई होम इज नियर टू द ऑफिस ऑफिस के नज़दीक है राइट माई होम इज बिहाइंड द मेट्रो स्टेशन बिहाइंड मतलब पीछे ओके देन मॉम इज इन द रूम रूम के अंदर है सो इन द रूम फाइन मैंने आपको पहले भी ये चीज एक्सप्लेन की थी ऑन इन अंडर नियर कहाँ पे यूज करते हैं ऑन मतलब ऊपर इन मतलब अंदर अंडर यू एंड ई आर अंडर इट मींस नीचे ठीक है और नियर मतलब नजदीक नाउ सी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पोजिशन एंड डायरेक्शन क्या है यहाँ पे इन एट ऑन बाय नेक्स्ट टू बी साइड यहाँ पे इन इंग्लिश uh, में उसको आई एन इन उसको प्रोनाउंस होता है उसका यूज़ कहाँ है रूम इन रूम इन बिल्डिंग इन स्ट्रीट इन टाउन इन कंट्री इन बुक इन पेपर एट्सट्रा उसके साथ मतलब uh, ये जो सारी चीज़ें होती है ना उसके साथ इन मैक्सिमम यूज़ होता है कार टैक्सी पिक्चर वर्ल्ड ठीक है जैसे उसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं वेर इज़ योर मॉम माई मोम इज़ इन द किचन राइट कहाँ पर रहते हो इन लंडन uh, आपकी पेंसिल कहाँ पर पे है इन द बुक फिर कीस कहाँ पर रखी है इन द कार इन अ टैक्सी आप कहाँ से uh, कैसे आए हो आई केम है ना टैक्सी में आया हूँ मैं देन इन द पिक्चर कहाँ पे है ये सारी चीज़ें इन द पिक्चर और ये सारा सब कुछ कहाँ पे मिलेगा आप लोगों ने लर्न किया है वाटर कितना है ये कितना है राइट सो कहाँ पे है इन द वर्ल्ड राइट इस तरीके से यूज़ होते हैं प्रपोजिशंस नेक्स्ट प्रपोजिशन देखो यहाँ पे क्या है उसके एग्जाम्पल है द एप्पल्स आर इन द बास्केट बास्केट के अंदर है राइट सो इन द बास्केट देन एग्स कहाँ पे है नेस्ट के अंदर राइट सो द एग्स आर इन द नेस्ट फाइन नेक्स्ट इज ऑन ऑन का यूजेज कहाँ पे होता है देखिए अटैच फॉर अ प्लेस विथ अ रिवर बींग ऑन अ सरफेस फॉर अ सर्टिन साइड लेफ्ट और राइट फॉर अ फ्लोर इन अ हाउस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर टेलीविज़न एंड रेडियो हम उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं आपको समझ में आया जाएगा आपको इतना सारा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारी चीज़ें आपको पिक्चराइज ही होती है तो आपको पिक्चर देख के समझ में आता है कि हाँ ये कहाँ पे है ऑन है या इन है राइट right? देखिए यहाँ पे द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल है ना वॉल के ऊपर होता है पिक्चर वॉल क्लॉक भी कहाँ पे होती है वॉल के ऊपर सो ऑन द वॉल द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल लंडन लाइज ऑन देंस फाइन दैन ऑन द टेबल कोई भी चीजें रखी है तो कहाँ पर है ऑन द टेबल ऑन द लेफ्ट आपको कहाँ पर जाना है ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द राइट साइड राइट देन ऑन द फर्स्ट फ्लोर वेर डू यू लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर राइट देन ऑन द बस ऑन अ प्लेन कैसे ट्रेवल करने वाला ऑन द बस राइट देन आपने ये न्यूज़ कहाँ पे सुनी तो ऑन टीवी, ऑन द रेडियो है ना कहाँ पे सुनी इसी के ऊपर मतलब टीवी के ऊपर देखा मैंने ये टीवी में था है ना तो टीवी के ऊपर देखा मैंने फिर रेडियो पे सुना मैंने पे पे यूज़ मतलब ऊपर तो फॉर दैट वी विल यूज़ ऑन उसके एग्जांपल है देखिए द बॉल इज़ ऑन द टेबल टेबल के ऊपर है बॉल यस सो ऑन द टेबल नेक्स्ट इज द बॉय इज़ सिटिंग ऑन द चेयर चेयर के ऊपर बैठा है यस सो द बॉय इज़ सिटिंग ऑन द चेयर ओके नेक्स्ट इज बाय नेक्स्ट टू और बीसाइड इट मीन्स नियर राइट हम लोगों को अभी ये वर्ड्स नहीं लर्न करने हैं हमें लर्न करना है उसके नियर राइट सो जैन इज़ स्टैंडिंग नियर द कार इन प्लेस ऑफ बाई नेक्स्ट टू और बी साइड वी विल यूज नियर द कार ओके नेक्स्ट इज उसके देखिए एग्जाम्पल द बॉल इज नियर द टेबल देखो टेबल के नजदीक है सो द बॉल इज नियर द टेबल देन पैन बुक के नजदीक है यस सो दैन इज नियर द बुक नेक्स्ट इज अंडर ऑन द ग्राउंड लोअर देन और कवर्ड बाय समथिंग एल्स द बैग इज अंडर द टेबल टेबल के नीचे बैग रखी हुई है तो यूज करेंगे सेंटेंस द बैग इज अंडर द टेबल उसके एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको देखिए यहाँ पे बॉल कहाँ पे है टेबल के नीचे है यस सो द बॉल इज अंडर द टेबल एंड देखो डॉग है वहाँ पे कहाँ पे सो रहा है टेबल के नीचे राइट सो द डॉग इज़ स्लीपिंग अंडर द टेबल ओके नेक्स्ट इज ओवर मतलब किसी के ऊपर से जाना हम लोगों ने देखा था अरुण एंड तारा है ना ओवर द फेंस राइट हाँ तो ओवर द फैंस मतलब वो अंदर से नहीं जा रहे थे वो उसके ऊपर से जा रहे सो so, इट उसके लिए क्या यूज करेंगे ओवर किसी के ऊपर से जाना इट मीन्स ओवर ओके देखिए यहाँ पे कवर्ड बाय समथिंग एल्स मीनिंग मोर देन गेटिंग

ब्रिज के ऊपर से जाना है ब्रिज के नीचे से नहीं जा सकते सो वॉक ओवर द ब्रिज देन क्लाइम ओवर द वॉल वॉल के अंदर से निकल सकते हैं नहीं उसके नीचे से जा सकते हैं नहीं सो so, उसको क्रॉस करना पड़ता है वॉट एवर यू आर गोइंग टू क्रॉस तो उसके लिए यूज़ करते हैं ओवर क्लाइम ओवर द वॉल वॉल के ऊपर चढ़ के फिर नीचे आना सो इट यूज क्लाइम ओवर द वॉल उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओवर दैन वट इज़ अबाउ हायर दैन मोर समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट अ पाथ अबाउ द लेक यहाँ पे अबाऊ का जो वर्ड है अबाउ एंड बिलो बर्ड्स होते हैं वो हमारे घर के ऊपर से जाते हैं बट इतने नज़दीक नहीं होते कि अप एंड डाउन जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उसके लिए नहीं वो बहुत ऊपर से जाते हैं एरोप्लेन ऊपर से होता है राइट सो ऊपर से एरोप्लेन मेरे घर के ऊपर से निकला मतलब अबाउ माई हाउस राइट अबाउ एंड बिलो दो वर्ड्स यूज़ होता है कोई एक चीज़ के ऊपर से जाना फॉर दैट वी विल यूज़ अबाउ एंड बिलो बिलो मतलब नीचे नीचे की ओर राइट right? कोई भी एक चीज़ रखी है और उसके नीचे दूसरी चीज़ रखी है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बिलो उसका एक एग्जाम्पल है द फिश आर बिलो द सर्फेस सर्फेस जो है उसके भी नीचे है राइट right? एक पानी की सर्फेस होती है हम जहाँ पे भी जाते हैं पानी की एक सर्फेस होती है और उसके नीचे जो फिशेस uh, रहती हैं तो उसको हम बोलेंगे बिलो द सर्फेस राइट इन टू किसी में जाना इट इट फॉर दैट वी विल यूज इन टू गो इन टू द किचन किचन में जाओ गो इन टू द हाउस हाउस के अंदर जाओ गो इन टू द क्लास रूम राइट तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन टू राइट ये सारे प्रपोजिशन क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हम जो आज एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें ये सारे के सारे प्रपोजिशंस यूज़ होने वाले हैं तो एटलीस्ट आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पर कौन सा यूज़ होता है राइट right? चलो एक्सरसाइज देख लेते हैं एक्सरसाइज ए टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस क्या है यहाँ पे फर्स्ट इज द चिल्ड्रन आर इन और ऑन द क्लासरूम क्लासरूम के ऊपर होंगे या क्लासरूम के अंदर होंगे अंदर राइट right? तो अंदर के लिए कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हैं हम वी विल यूज इन यस सो वी विल राइट द चिल्ड्रन आर इन द क्लास रूम राइट ओके नेक्स्ट इज देखिए सेकेंड नंबर स्नेल रीज इट्स टेल ऑन और इन इट्स बैक बैक के ऊपर है या अंदर है ऊपर है राइट right? तो ऊपर के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे प्रपोजिशन में ऑन राइट सो अ स्नेल कैरीज इट्स टेल ऑन इट्स बैक राइट ओके थर्ड इज अ स्मॉल स्टूल इज बिहाइंड और बिलो द टेबल देखो मैंने यहाँ पे बिलो का जो दिखाया ना एग्जाम्पल इसके लिए था टेबल के नीचे और एक छोटा सा टेबल है है ना तो उसके नीचे हम क्या लिखेंगे क्योंकि ऊपर तो एक टेबल है ही और उसके नीचे दूसरा टेबल है सो so, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे बिलो ओके okay? इसके नीचे अंडर नहीं आएगा अंडर द टेबल नहीं आएगा अंडर मतलब कोई एक चीज़ और उसके नीचे कुछ होना उसके लिए हम अंडर यूज़ करते हैं बट ये जो टेबल है उससे छोटा टेबल उसके नीचे है उससे भी छोटा टेबल उसके नीचे तो उसके क्या इसके लिए हम यूज़ करेंगे बिलो सो द स्मॉल स्टूल अ स्मॉल स्टूल इज बिलो द टेबल फाइन फोर्थ इज द टोटो इज बिहाइंड और अंडर द रॉक देखो रॉक मतलब एक बहुत बड़ा स्टोन है उसके नीचे है या उसके पीछे है बिहाइंड इट मीन्स उसके पीछे छुप जाना है ना हम लोग बोलते हैं ना गो गो बिहाइंड दैट उसके पीछे जाओ है ना गो बिहाइंड uh, आपके टीचर्स ने बोला होगा लास्ट ईयर आपको कि आप इसके पीछे खड़े रहो उसके बिहाइंड है ना उसके बिहाइंड तो आपको बिहाइंड मतलब उसके पीछे होना तो यहाँ पे देखिए टोटॉइस कहाँ पे है बिहाइंड है नहीं रॉक के नीचे है राइट सो द टोटॉय इज अंडर द रॉक ओके नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट Bracket में से आपको एक पिक्चर देख के करेक्ट वर्ड को चूज करके लिखना है देखिए यहाँ पे कॉक इज डैश इन और ऑफ द रूफ रूफ के ऊपर है यस yes, रूफ मतलब छज्जा तो उसके ऊपर है यस yes, तो क्या लिखेंगे हम ऑन अ कॉक इज ऑन द रूफ सेकेंड इज द बटरफ्लाई एंड द बी आर डैस द फ्लावर देखो फ्लावर्स के ऊपर है है ना सो so, मैंने आपको बोला था कोई भी एक चीज के ऊपर होना उसके लिए हम यूज करेंगे अबाउ ओके सो द बटर फ्लाई एंड द बी आर अबाव द फ्लावर्स ओके नेक्स्ट इज द फ्लावर्स आर डैस द बास्केट इन और ऑन बास्केट के ऊपर है नहीं है बास्केट के अंदर है राइट right? सो so, अंदर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे इन द फ्रूट्स आर इन द बास्केट ओके नेक्स्ट इज फोर्थ द कैट इज डैश द फ्लोर ऑन और बिहाइंड देखो यहाँ पे बिहाइंड बिहाइंड मतलब उसके पीछे छुप जाना डोर के पीछे है है ना तो क्या लिखेंगे हम द कैट इज बिहाइंड द डोर डोर के पीछे है सो बिहाइंड द डोर ओके सी एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स दिया गया है आपके बुक में और उसमें से आपको करेक्ट वर्ड चूज करके उसको लिखना है अभी ऑन मतलब ऊपर नियर मतलब नज़दीक राइट बिहाइंड मतलब पीछे छुपना टू देन अंडर मतलब नीचे इन मतलब अंदर और इन टू मतलब किसी में जाना जैसे हम लोगों ने अभी किया गो इन टू द किचन गो इंट टू द हाउस गो इन टू द क्लास रूम राइट तो किसी के अंदर जाना अभी यहाँ पे फर्स्ट इज डन फॉर यू द बर्ड्स फ्लू ओवर द हाउस देखो बर्ड्स हाउस के ऊपर से जाते हैं सो ओवर द हाउस वहां पर टिक भी किया गया है सेकेंड इज फाइव रेबिट्स लिफ्ट डेस्ट द लेक अभी ले, लेक के अंदर रैबिट लेक के अंदर रह सकेंगे नहीं वो कहाँ पे रहेंगे नज़दीक लेक के नज़दीक रहते राइट सो द फाइव रैबिट्स लिव्ड नज़दीक के लिए नियर नियर द लेक ओके थर्ड इज रग वॉन्ट्स टू सीट डैस द हॉर्स बैक हॉर्स की बैक के ऊपर बैठेंगे है ना तो ऊपर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे ऑन राइट सो राघव वॉन्ट्स टू सीट ऑन द हॉर्स बैक देन फोर्थ इज इट इज वेरी हॉट डैश अ डेजर्ट डेजर्ट के अंदर बहुत गर्मी लगती है तो इट इज़ वेरी हॉट इन अ डेजर्ट ओके अंदर मतलब इन इट इज वेरी हॉट इन अ डेजर्ट देन नेक्स्ट इज द बोट सेल डैश द ब्रिज ब्रिज के ऊपर से जाएंगे नहीं नीचे से जाएंगे राइट सो द बोट sailed अंडर द ब्रिज ओके नेक्स्ट इज द फ्रॉग डाइफ डेस्ट द कूल पुल फ्रॉग ने पुल के अंदर जम्प किया तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे उसके अंदर के लिए इन टू है ना किसी के अंदर जैसे रूम है किचन है क्लासरूम है राइट right? तो उसके अंदर तो यहाँ पे पुल है तो पुल के अंदर उसके लिए कोई भी एक प्लेस है उसमें जाना उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे इन टू द फ्रॉग डाइव इन टू द कुल पुल ओके देन सेवेंथ इज द सन हाइट डैस द क्लाउड क्लाउड के पीछे छुप जाएंगे ना सन है ना बारिश होती है तो क्या होता है क्लाउड के पीछे सन छुप जाता है जैसे क्लाउड हट जाता है फिर से सनलाइट आती है राइट सो द सन हाइट बिहाइंड द क्लाउड क्लाउड के पीछे पीछे मतलब बिहाइंड सन हाइट बिहाइंड क्लाउड इज ऑली वेंट डे प्ले विथ हिज फ्रेंड उसके साथ जाना टू मतलब उसके साथ जाना ऑलीवेंट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड विथ मतलब उनके साथ जाना टू मतलब जाना है तो क्या बताएंगे टू प्ले है ना तो अली वेंट टू प्ले विथ हीज फ्रेंड्स नेक्स्ट इज अंडरलाइन द प्रपोजिशंस जैसे मैंने आपको बताया ऑन इन अंडर नियर एट अबाउ बिलो बिहाइंड ये सारे प्रपोजिशंस हैं आपको सेंटेंस में से ढूंढना है कि ये वाले प्रपोजिशंस कहाँ पे हैं और उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है फर्स्ट इज रीना सेट ऑन अ स्टूल ऑन ऑन एक प्रपोजिशन आया तो हम उसके लिए अंडरलाइन करेंगे ऑन के नीचे राइट सेकेंड इज द एग्स आर इन द बास्केट इन तो वो एक प्रपोजिशन पोजिशन बता रहा है राइट सो इन द बास्केट तो इन के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है देन अलादीन दिन हाइट द रिंग अंडर द रॉक अलादीन ने रिंग कहाँ पे हाइट की है रॉक के नीचे अंडर तो अंडर पे आपको अंडरलाइन करनी है देन देर वर ग्रैप्स ऑन द प्लेट प्लेट के ऊपर सो ऑन ऑन पे अंडरलाइन करनी है देन फिफ्थ इट गेट्स वेरी डार्क एट नाइट एट एट नाइट एट आफ्टरनून ऐट मॉर्निंग एट इवनिंग सो ऐट तो ऐट पर आपको अंडरलाइन करनी है then six is there is a painting on the wall on the wall so on is a preposition so us pe aapko underline karni hai last is e circle the correct prepositions kya karna hai aapko जो भी correct preposition है us pe aapko circle करना है. now listen hasan's pen is in or on his pocket pocket के अंदर होगी pen है ना तो अंदर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इन सो हसन सन्स पैन इज इन हीज पॉकेट सेकेंड इज द टीचर राइट्स डेस्क द ब्लैक बोर्ड अभी इन आएगा या ऑन आएगा ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं है ना ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखेंगे ना अंदर नहीं लिख सकते राइट सो ऊपर के लिए वी विल यूज़ वर्ड ऑन द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड देन थर्ड इज माई हाउस इज़ नीयर और ऑन द पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस के ऊपर होंगे नहीं हाउस पोस्ट ऑफिस के ऊपर नहीं होगा नज़दीक होगा ना कि मेरा घर आपको कोई पूछेगा कि आप कहाँ पर रहते हो तो आप बोलोगे ये वाला देखा है ना उसके बस नज़दीक है मेरा घर तो दैट इज़ नीयर नज़दीक मतलब नीयर सो नीयर सो माई हाउस इज़ नीयर द पोस्ट ऑफिस एंड आवर स्कूल गेट्स ओवर डेस्क टू ओ क्लॉक दो टू ओ क्लॉक को खत्म होती है तो ऐट आएगा या अंडर आएगा अंडर मतलब नीचे अंडर टू ओ क्लॉक नहीं एट टू ओ क्लॉक कोई भी टाइम जो दिखाता है उसके लिए एट कोई भी समय समय दिखाने के लिए टाइम दिखाने के लिए वी विल यूज़ वर्ड एट ओके सो एट मॉर्निंग एट इवनिंग एट नाइट है ना एट आफ्टरनून एट टू ओ क्लॉक थ्री ओ क्लॉक ओके तो कोई भी टाइम दिखाने के लिए What we will use? We use word at. Okay. 80 at. Then our school gets over at 2 o'clock. Okay. This much you have to do in your textbook. Not in the notebook. Thank you for watching. Stay home. Stay safe. And keep learning.